बिना अपॉइंटमेंट के कोई मिलने कैसे आ सकता है? तुम्हें बोलना चाहिए था पहले ही ऐसे में मीटिंग्स। मिस्टर बाजपा, आपने नीति के लिए किसी और डॉक्टर को बुलाया? नहीं, मैंने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया। मुझे मैसेज मिला है कि कोई डॉक्टर मुझसे मिलने आया है। उत्तर, अगर तेरी कंपनी में कोई अच्छी नौकरी हो तो बताना बबली के वास्ते। खाना क्यों नहीं खा रही है? मॉम, एक बात पूछूं? इतनी फॉर्मल क्यों हो रही है? ऑफ कोर्स पूछ। मैं सोच रही थी कि मैं बबली को एज सेक्रेटरी अपॉइंट कर दूं मेरे साथ, सो मे आई? तेरा प्रोजेक्ट है तो जिसे अपॉइंट करना चाहे कर सकती है, प्लीज डू। थैंक यू मॉम। इतनी रात को वहां से किसका कॉल हो सकता है? मैडम, खाने के वक्त पे फोन प्लीज। मैडम, पहले खाना खा लीजिए, सब ठंडा हो जाएगा। दाइमा, लंदन ऑफिस से किसी का कॉल है, आई होप सब ठीक हो। हेलो, यस, व्हाट? नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कल सुबह की फ्लाइट से लंदन आ रही हूँ। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। मॉम, व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम? लंदन ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मुझे कल सुबह की फ्लाइट से जाना होगा। अगर तेरा प्रोजेक्ट इतनी नेसेंट स्टेज पे ना होता तो तुझे भी लेके जाती, पर अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू बी हियर एंड आई हैव टू गो देयर। नो मॉम, प्रोजेक्ट अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी शुरू हो ही रहा है, तो दो चार दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक आई शुड जॉइन यू। एब्सोल्युटली नॉट। तू चिंता मत कर, तू यहाँ रहकर अपना प्रोजेक्ट संभाल और मैं वहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करती हूँ। डोंट वरी, एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। ताइमा, जितना जल्दी हो मेरा बैग पैक कर दीजिएगा। जी। बबली, हेलो। हेलो, हाँ बबली, अब ठीक तो है ना? मम्मा ने बताया था कि नीति दी ने आप पे अटैक किया था। उसने अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन डोंट वरी, आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा बबली, कल सुबह तुम मेरे घर पे आ जाना, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ठीक है, आ जाऊंगी। बबली, कॉफी सबके लिए लाया था तो कल सुबह पार्वती के घर जा रही हो? हाँ। पार्वती से मिलने, आई मीन, कोई काम था? पता नहीं, उन्होंने बस मिलने के लिए बुलाया। बस याद रखना, मैं तेरे साथ नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा प्यार, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ नहीं है। मैं हर पल, हर मिनट तेरे साथ हूँ। अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहना बच्चे। नीति के साथ तेरी लड़ाई तेरी अकेले की नहीं, मेरी भी है। तो नीति और संजू से इसलिए नहीं लड़ रही है क्योंकि उन दोनों ने तुझे मारने की कोशिश की, तेरा कुछ बिगाड़ा। ऑफकोर्स दैट्स अ रीज़न, बट तू उन्हें इसलिए माफ नहीं करना चाहती क्योंकि तूने अपने बच्चे से कसम खाई थी कि उनके कातिलों को सजा जरूर देगी। अपना वादा मत भूलना, अपने बच्चे को किया वादा। Yes, ma'am. ये जो पहला राउंड है ना, इसमें तेरी जीत हुई है। और एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस पहले राउंड के बाद ना, बहुत समय तक नीति की हिम्मत नहीं होगी पलटवार करने की। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बबली आ जाओ। आपने बुलाया था? हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि तुम जॉब करना चाहती हो? जॉब? बट क्या? एक्चुअली मुझे जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने पढ़ाई तो की है बट प्रैक्टिकली। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ सिखा दूंगी। मैंने भी तो अपनी मॉम से ही सीखा है। वेल, मेरी सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है, तुम ज्वाइन करना चाहोगी? Okay, time for me to leave. Vijay Daima, thank you. Bye. Mom, हम भी आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने आ रहे हैं। चलो। Really? Yes. चलो, आज। ताई जी, क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों हैं? आप कहाँ थे? पुत्र। हाँ।
कि क्या हुआ ताई जी, बताइए। हमारा घर उजड़ गया। घर उजड़ गया मतलब? पुत्र, हर औरत का एक सपना होता है कि वो जिस घर में दुल्हन बनकर आती है वो चाहती है कि उसकी अर्थी उसी घर से उठे। लेकिन ताई जी, आप भी ऐसी दिल भरी बातें कर रही है। ताई जी, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे टेंशन हो रही है, आप प्लीज बताइए क्या हुआ। तुझे तो पता ही है ना पुत्र, हमारा घर कैसी हालत में था। हाँ ताई जी। पूरा घर रिपेयर कराना था, तो नीति और गुरिंदर बहन जी ने मुझसे कहा कि वो सब करवा देंगे और मैंने उन पर भरोसा करके उन्हें यहाँ कह दी। ताई जी, उन्होंने रिपेयर करा दिया होगा, और अगर उन्होंने रिपेयर नहीं कराया होगा तो हम करा लेंगे ना रिपेयर। ताई जी, रिपेयर तभी होगा ना जब घर होगा। घर होगा मतलब? मतलब उन दोनों ने उस घर को तोड़ दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ पुत्र, नीति और गुरिंदर बहन जी ने हमारे घर को तोड़वा दिया। नामो निशान नहीं बचा है हमारे घर का। क्या मुंह दिखाऊंगी तेरे ताया जी को ऊपर जाके। लेकिन ताई जी, उन्होंने ये घर क्यों तोड़वाया? उनको पता था ना ये हमारा घर है, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? आई नो विकी, वो घर तुम लोगों का ही था। तू यहाँ कैसे? तू तो अस्पताल में थी ना? मम्मी जी, ये सब परी की चाल है। मुझे अपने घर से बाहर निकालने की मैं भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आपको एक काम करना होगा। डॉक्टर शुभ्य और उसके सीनियर डॉक्टर की तरह ही एक डॉक्टर और उसके सीनियर डॉक्टर को अरेंज करो, उन्हें यहाँ बुलाओ, जितने पैसे मांगते हैं दो, लेकिन उन्हें कन्विंस करो वो यहाँ आके इन दोनों को धमकी दे कि एक नॉर्मल इंसान को टॉर्चर करके ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिक शॉक दे के उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा उनके साथ। ये तो मम्मी जी की मेहरबानी है। आई नो, ये सारा काम पार्वती का है। नीति और पार्वती के बीच में रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। आई मीन टू से, नीति और पार्वती के बीच में कुछ दुश्मनी सी है, बट नीति इज फाइन। नीति को किसी तरह का कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप ऐसे ही उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर सच में पागल बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो मैं आप पर मानहानि का दावा करूंगा कोर्ट में। ये पूरा हॉस्पिटल बंद करवा देंगे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप अभी के अभी नीति को डिस्चार्ज कर दीजिए यहाँ से। आप लोग उसे ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? देखिए, आप चुपचाप नीति को हमारे साथ जाने दीजिए, वरना। ठीक है, आप लोग उसे घर ले जाइए, मैं डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाती हूँ। बेटा, थैंक यू। आई डॉक्टर, आप मिस्टर आई। पुत्र, वो डॉक्टर ने नीति को घर ले जाने के लिए कह दिया, तो चलो उसे घर लेके चलते हैं। चल। मेरे डॉक्टर ने ये प्रूव कर दिया दैट आई एम मेंटली फिट, इसलिए मुझे घर आने की परमिशन मिल गई। वरना पार्वती ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी मुझे पागल प्रूफ करने के लिए। वो अगर तो ठीक है, तो पार्वती पर चाकू से हमला क्यों किया तूने? क्योंकि वो पार्वती नहीं, परी है। मैं सिर्फ उसे डरा रही थी ताकि वो सच बोल दे कि वो परी है, लेकिन उसने। नीति, तुमने वो घर क्यों तोड़वाया? तुम्हें पता है ना ताई जी को वो घर कितना पसंद था। तो क्या करती उस घर का? घर नहीं था, बोझ था वो। एक रुपए की आमदनी नहीं हो रही थी उससे, ऊपर से उसकी रिपेयरिंग का खर्चा। आप लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। उस घर को तोड़वा के जो रेस्टोरेंट बनवाया ना मैंने, उसे बहुत प्रॉफिट हो रहा है ऑलरेडी, तो क्यों नहीं तोड़वाती उसे? बाकी ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने सही किया है। जायन हो तुम दोनों, तुम लोगों ने मुझे धोखा देकर मेरी जमीन हड़प ली और मेरे सपनों के घर को तोड़ कर। मम्मी जी, इतना ड्रामा और इतना क्यों रो रही हैं आप? आपके ऐसे आंसू बहाने से आपका घर वापस आ जाएगा? नहीं ना, तो फिर अच्छा ठीक है, इस जमीन के बदले मैं आपको बहुत बड़ा कॉम्पेंसेशन दे दूंगी, ठीक है?
लेकिन आज मैं आपकी बेटी बबली के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। और इस रिश्ते से बबली की, आपकी और विकी सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। बबली, मैंने तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर सेंड कर दिया है, तुम साइन कर देना। आज से तुम ऑफिशियली मेरी सेक्रेटरी हो। कंग्रेचुलेशंस, सिंघानिया ग्रुप ज्वाइन करने की खुशी में आपको बहुत बहुत बधाई बबली जी। अरे दाइमा, अपने वो बैग, अपने पिटारे में से कुछ मीठा खिलाइए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, मुझे तो पता था मैडम ये सब होने वाला है। डिक्की में रखी है मिठाई, एयरपोर्ट पहुँच के सबका मुँह मीठा कराऊंगी। बड़ी माँ का कॉल। हाँ बड़ी माँ। अच्छा मैं अभी आती हूँ, मुझे घर जाना होगा। क्या, क्यों, मतलब सब ठीक है? कुछ तो प्रॉब्लम है, आप मैम को ड्रॉप करके आइए, मैं आपको सब बताती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगी, अभी जाना जरूरी है। लेकिन एक मिनट, तुम जाओगे कैसे? ऑटो या कैब, मुझे कुछ भी मिल जाएगा। भैया एक सेकंड कार रोकिए ना। ध्यान से जाना, बाय। ये बबली को अचानक से क्या हो गया? पता नहीं, अम्बिशी का कॉल आया और फिर मॉम, आई होप सब ठीक है। कहीं उस नीति ने तो कुछ, कैसे बच्चे, नीति तो मेंटल असाइलम में, I'm sure कोई फैमिली मैटर होगा। पर क्या ऐसे अचानक से क्या हो सकता है? कोई छोटा मोटा फैमिली मैटर होगा, कुछ होगा जो वो इमीडिएटली उससे डिस्कस करना चाहती हैं, इसलिए इतनी जल्दबाजी में उसे बुलाया। तो टेंशन मत ले। मॉम आपको पता है, मुझे ना हमेशा मम्मी जी और बबली की टेंशन लगी रहती है। जिस नीति ने अपनी दोस्त तक को नहीं बख्शा, जो अपनी दोस्त की जान लेने की कोशिश कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। मॉम आई नो बच्चे, अब तू खामखा की टेंशन मत ले, एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सो, आई नो सो। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं, मुझे तेरे किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। अब कहती कुछ और है और करती कुछ और। आपने बबली को फोन करके बुलाया है ना, तो आने दीजिए ना उसे, सब क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं सिर्फ रिश्ता लेकर आई, उसे मानना ना मानना आपकी मर्जी है। इस रिश्ते से तो बेहतर है मैं उसे सारी जिंदगी घर पे बिठाए रखूं। ऐसा है महारानी गुरप्रीत जी, आपकी बबली कोई राजकुमारी तो है नहीं जो उसके लिए कोई राजकुमार घोड़े पर बैठ कर आएगा। एहसान मानिए मेरा, जो इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ, लाइफ सेट हो जाएगी उसकी। और क्या चाहिए आपको? नीति, बबली की शादी दलजीत के साथ किसी भी कंडीशन पर नहीं होगी। दलजीत बबली के लिए सही लड़का नहीं है। कम से कम तुम तो कुछ समझदारी की बात करो, और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है इन सब मामलों में पढ़ने का, और ना ही मैं खुद यहाँ आई हूँ। लेकिन एक चीज दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, वो देख लो, फिर समझ में आ जाएगा कि बात कहां तक जा चुकी है। ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, ये नहीं हो सकता। संजू एक मिनट, चलना, मेरे को कहीं नहीं जाना। बेबी मेरी ऑफिस की मीटिंग आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे ऑफिस ऑफिस बाहर में होता रहेगा, तू चल मेरे साथ। अरे मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे बेबे। अरे मेरे विक्रम, विक्रम क्या हुआ है? ये 5 मिनट देता हूँ जीजू, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। जीजू तू रो क्यों रहा है विक्रम?
विक्रम 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 मेरी बात सुन, मैंने कुछ नहीं किया। साले मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को छूने की? मैंने कुछ नहीं किया। अरे संजू समझाई, सब पागल हो गए। तू बता रहा है विक्रम? सुन मेरी बात, हुआ क्या है? क्यों मार रहा है इसे? बात क्या है विक्रम? बात क्या है? बता क्यों नहीं रहा है? तू बता भाई, तू बता। पागल हो गया, रोको इसे। तू बता संजू। नीति मैं बताती हूँ क्या हुआ है, मेरे साथ चलो। आंटी जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? आंटी जी, आंटी जी आप रो क्यों रही हैं? आंटी जी संजू ये नहीं बता पाएंगी, दलजीत और बबली का एक MMS लीक हो गया है। MMS? कैसे MMS? संजू वो मैं बताता हूँ, बबली नीति से मिलने आई थी हॉस्पिटल, काफ़ी घबराई हुई थी, हालत ठीक नहीं थी उसकी, इतनी इमोशनल थी कि रोने लग गई। उसे रोता हुआ देख के मुझे लगा कि उसे ना सपोर्ट की ज़रूरत है। कहानी मत सुनाइए, बात क्या है वो बताइए, MMS में था क्या? वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब बबली टूटी हुई रोती हुई एक कमरे में थी तो मैं गया उस कमरे में उसे समझाने के लिए, इंसानियत यू नो। उसे समझाते समझाते पता नहीं माहौल ऐसा बन गया, अब ये याद नहीं आ रहा कि बबली ने मुझे गले लगाया या उसे समझाने के लिए मैंने उसे गले लगाया। पर यार संजू हम काफी नजदीक आ गए। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। एक बार मुझे उनकी बात तो सुनने दे। बोलिए। नहीं छोड़ यार संजू, इसके आगे जो हुआ मैं सबके सामने बोल भी नहीं पाऊंगा। यार मुझसे नहीं देखा गया उसे रोते हुए, गले लगाकर समझा ही रहा था तो यार संजू हम दोनों ना एक दूसरे को रोक नहीं पाए और काफी क्लोज हो गए एक दूसरे के। ऐसे में बबली अपने आप पे काबू नहीं रख सकी और अभी सबके सामने बोल ही रहा हूं तो झूठ क्यों बोलूं, मैं भी खुद पे काबू नहीं रख सका। लेकिन किसी जलील इंसान ने बाहर से ये सब रिकॉर्ड कर लिया और हमारा MMS बना दिया, उसे वायरल भी कर दिया। संजू ये है वो MMS। नीति डिलीट करो इसे अभी के अभी। एक फोन से डिलीट करने से क्या होगा संजू, बबली की बदनामी बंद नहीं हो जाएगी। इस MMS को पता नहीं कितने लोगों ने देख लिया है, इवन शायद हमारे घर के नौकरों ने भी देख लिया होगा इसे अब तक। क्या करें, कैसे बचाएं बबली को बदनाम होने से? बबली को बदनामी से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है संजू। इससे पहले कि सारे रिश्तेदार और समाज वाले बबली को कुछ भी उल्टा सीधा बोलें और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाएं, मुझे लगता है दलजीत और बबली की शादी कर देनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? दलजीत और बबली की शादी? नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी ऐसा कभी नहीं होने देना चाहती थी संजू, लेकिन तुम्हारे सामने है सारी चीजें। इनका जो MMS बना है उसे जस्टिफाई करने का बस एक ही रास्ता है। मैंने कह दिया ना, बबली और दलजीत की शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। नहीं होगी। संजू एक मिनट मेरी बात सुनो। संजू प्लीज। पता है ना कि कैसे हैं वो, कैसा कैरेक्टर है उनका, फिर भी ऐसी चीज तुम्हारे दिमाग में भी कैसे आ सकती है? अंडरस्टैंड तुम्हारा क्या कंसर्न है, अच्छे इंसान नहीं, लेकिन शादी के बाद वो सुधर जाएंगे। कैसे सुधर जाएंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको सुधार देती है संजू, शादी होने के बाद इंसान बदलता है, उनमें भी बदलाव आएगा। और तुम एक बार बबली के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच कर देखो, मम्मी जी की हालत देख रहे हो तुम, कितना दुखी है वो। और विक्की इसको कितना कुछ सुनना पड़ेगा अपनी बहन के लिए समाज में, सोचा है तुमने? और सबसे बड़ी बात,
बबली परी की बहन है संजू। अरे हमारे बीच में नहीं है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम बबली का ख्याल रखें, उसकी रक्षा करें? आई नो तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, अभी मेरे फैसले पर डाउट भी हो रहा होगा, लेकिन बिलीव मी मैं बबली की बड़ी बहन की तरह ही हूँ, उसके बारे में अच्छा ही सोचूंगी। और मैं अच्छे से समझती जब किसी लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है तो उसे कैसा फील होता है। भगवान ना करे अगर बबली ने कोई गलत कदम उठा लिया इन सब के चक्कर में तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसका? इसलिए मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना बुरा होना था, जो बुरा होना था हो गया है, इससे ज्यादा गलत और बुरा ना हो इसलिए बेटर यही होगा कि हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। संजू प्लीज, मैं तो सोच रही थी कि आज ही इनका रोका भी कर देते हैं। तुम्हारे पास और कोई रास्ता या और कोई बेटर ऑप्शन है इसके अलावा तो मुझे बताओ। मैं तो बबली की भलाई की बात ही कर रही हूँ संजू, आप लोगों को क्या लगता है कुछ गलत बोला मैंने? मुझे लगता है कि आज इन दोनों का रोका कर देना चाहिए।